सभी लोगों का एक और नया कमाल के पोकेमॉन एडवेंचर के वीडियो में यार। आज तुम्हारा भाई थोड़ा सा अलग लग रहा है यार। तुम्हारे भाई ने नए हेडफोन्स खरीदे हैं यार, और मुझे यार सच बताओ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। इसको पहने रहो कि उतार दो यार? नहीं, पहने रहता हूँ भाई। कैसा लग रहा हो कमेंट में बताओ। आप लोग इतना ज्यादा प्यार करते हो, पैल वर्ल्ड की सीरीज को लिटरली 8 लाख 9 लाख 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत पैसे तुम्हारा भाई कमा रहा है आजकल। मैंने सोचा क्यों ना सुंदर सा हेडफोन लिया जाए। सो कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई हेडफोन के साथ? बिना हेडफोन के ज्यादा अच्छा लगता हूँ मैं। कमेंट में बता रहा भाई कैसा दिख रहा हूँ यार। आप ही तो बताओगे भाई, आप ही तो अपने हो यार, बाकी सब तो पराए हैं यार, एक्सेप्ट माय मॉम। बट एनीवेज यार, आज हम लोग गाइस एक कमाल की ब्रीडिंग करने वाले हैं पैल वर्ल्ड में। हम लोग ब्रीड करने वाले हैं क्रायोनिक्स और एक आनुविश को, एक साधारण सा बर्फीला पोकेमॉन और एक लेजेंडरी आनुविश। तो ये दोनों जब ब्रीड करेंगे तो एक अंडा है जो की एक आइस टाइप अंडा होगा, जिससे एक लेजेंडरी आइस टाइप लेजेंडरी ऑस्ट्रेलियन पैदा होगा। ओके, ये सारी चीजें आपने कमेंट किया था, मैं कमेंट से पिक किया हूं। सो आई जेन्युइनली डोंट नो कि भाई ये अंडा सच में वर्क करेगा कि नहीं, ठीक है। बट आई एम गोना ट्राई। बट उससे पहले हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा करीब है, तो अगर आपने नहीं किया तो प्लीज करो या सब्सक्राइब और इंस्टा पे भी फॉलो करो। बाकी चलो एक और नए कमाल के सफर पे, लेट्स गो। Alright guys, यार एक और नया सुहाना सा दिन अपने पैल वर्ल्ड में यार। एंड आज गाइज हम लोग यार एक लेजेंडरी, आई मीन लेजेंडरी भी नहीं, वो एक गॉड है, हम लोग यार ऑस्ट्रेलियन से भिड़ने वाले हैं, इस गेम के सबसे खतरनाक दानव से कह सकते हो। क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने ऑफकोर्स इस गेम के लगभग सारे गॉड्स को पकड़ लिया है। मैं दिखा देता हूँ भाई, अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा है ना तो आप देख सकते हो, देखने भी क्या ही जरूरत है यार, देख सकते हो अगर आपको मजे करने, तो डेफिनेटली मजा तो आया था मुझे। बट एनीवेज मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ। ये रहा ब्लास्ट मॉथ, मैंने पिछले 2 एपिसोड पहले पकड़ा था, ये लिटरली लावा आइलैंड का गॉड है। एंड ये है भाई एस्ट्रोजन, जो की एक डार्क टाइप गॉड पोकेमॉन है। इसकी साइज देखो ब्रो, ये मेरे पास पहले से था लेकिन पहले वाला अंडा वाला था, एंड ये जो मेरे पास है ये लिटरली जंगली वाला एस्ट्रोजन है। मतलब कह लो भाई बहुत ज्यादा पावर है इसके में, एंड मैंने इसको कभी टेस्ट भी नहीं किया है, आज करेंगे। और एक है भाई फ्लैरिस, जो अंडे से निकला है लेकिन इसको मैं खाली उड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एंड बाकी भाई किंग पाका, ये तो भाई ये भी गॉड है कह लो, लेकिन ये थोड़ा प्यारा प्यारा गोड़ा। इधर आ भाई, ये बेचारे को यार मैं कभी भी नहीं निकालता वाला भाई, तू किसी ले ले भाई, प्यार ले ले मेरे से। बड़ा एनीवेज यार, आज हम लोग यार एक और कलेश करने जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं अपने पूरे फायर टाइप पोकेमॉन को लेकर के ऑस्ट्रेलियन से भिड़ने, लेकिन हम लोग बस टेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी मैं उसको पकड़ूंगा नहीं। मैं कब पकड़ूंगा? जब हमारे यार इंस्टाग्राम पे 30,000 फॉलोअर हो जाएंगे। तो अगर आपने मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो कर लो। बट एनीवेज अभी बहुत लंबा सफर है, डिनोजॉम पकड़ना है ऑस्ट्रेलियन है भाई, बहुत पोकेमॉन है। सो ऑफ कोर्स यार अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो भाई फटाफट। बट एनीवेज यार ऑस्ट्रेलियन को पकड़ना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। ऑस्ट्रेलियन पकड़ने के लिए हमें हमारे सबसे बेस्ट पोकेमॉन्स को लेके जाना पड़ेगा। मेरा जाकू है जो कि मैं लेके नहीं जाऊंगा भाई। जॉर्मोन टाइड लेके जाएंगे, एस्ट्रोजन लेके जाएंगे, आनुविश लेके जाएंगे, और ओजार्क इलेक्ट्रिक पोकेमॉन के सामने आइस पोकेमॉन आई डोंट थिंक सो यार, बेटर कॉम्बिनेशन है। जॉर्मोन टाइड ले जाते हैं, फ्लैरिस ले चलते हैं, आनुविश, ब्लास्मत और एस्ट्रोजन। ऑलराइट गाइस, यार कॉम्बिनेशन रेडी है। एंड क्या लगता है, क्या हम लोग ऑस्ट्रेलियन को पकड़ पाएंगे? कमेंट में बताओ। वेल यार आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कैप्चर दैट, बट स्टिल मेरे पास आज एक प्लान भी है, तो चिंता करने की बात नहीं है यार। बट एनीवेज यार ये मैं तीसरी बार भिड़ने जा रहा हूँ, ठीक है। एंड प्रे करो यार कि लाइक मैं पकड़ लूं। वैसे यार आप लोग कमेंट कर रहे थे मुझे कि लाइक एक दो तरीके हैं जिसकी वजह से मैं ऑस्ट्रेलियंस को अंडे से निकाल सकता हूँ। खैर अगर अभी हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं तो वो दूसरा आइडिया अपनाएंगे, एंड अगले एपिसोड में अपने पास ऑस्ट्रेलियन हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना यार। बाकी यार कहां गया मेरा फ्लैरिस भाई? ओए हेलो, उठा ले भाई, कैच कर। अबे साले हां कर लिया भाई, गिरता तो सच में मर जाता यार। ओके गाइस फिर से मैं हगा हूं भाई, बॉल ही लेके नहीं आया हूं, बताओ। 5 गीगा बॉल है, 3 अल्ट्रा बॉल है, 1 मेगा बॉल है, वाओ। और नीला रंग का बॉल कहां है? बॉल लेके नहीं आया हूँ भाई, कितने बॉल है? 8 बॉल है गाइस। अगर मैं 8 बॉल में पकड़ लिया ना, मैं पोकेमॉन मास्टर बोल दूंगा भाई खुद को। वो रहा भाई ऑस्ट्रेलियन ब्रो। आई गेस कौन टीके का पता है? सबसे पहले हम लोग यार अटेम्प्ट करते हैं ब्लास्मोथ से, ब्लास्मोथ वर्सेस ऑस्ट्रेलियन भाई। चल भाई अटैक ब्लास्मोथ अटैक। अबे देखते हैं। ओ भाई दे रहा है ब्रो। अपने को थोड़ा स्टैटिक्स लगाना पड़ेगा। ओके वो मेरे को टारगेट कर रहा है, 1 घंटा अपन बचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कर लेगा है? डरता हूँ तेरे से। अभी मेरे पास आ रहा है क्या? वो बच गया ब्रो। ये मेरे को मारने के चक्कर में मैं गया ठंडा। ओके बच गया यार भाई, वो मेरे को ही मारे जा रहा है, लेकिन उसकी हेल्थ हम लोगों ने कितनी कम कर दी है ब्रो, कितनी ज्यादा। ओके
आई थिंक सो ब्लाज्मा टिक सकता है, ब्लाज्मा टिक सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ब्लाज्मा टिक सकता है। ओके ओके यार, ब्लाज्मा मेरे को तो लग रहा है मार भी देगा भाई। हम लोग एक तरीके से कह लो उसका हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर दिया है, 25% एक पोकेमॉन गिरा दिया तो कितना होता है भाई। चल आजा आजा एस्ट्रोजन, तू जा भाई नया पोकेमॉन ट्राई करते हैं। आई गेस डार्क टाइप पोकेमॉन निकालना इज नॉट गुड। ओके इसका अटैक बहुत ढीला है भाई। आजा आजा फ्लैरिस, तू जा। फ्लैरिस का अटैक भी बहुत तगड़ा है भाई। ओ देखो भाई लावा हवा निकाल देता है। ओके बट सबसे बेस्ट अटैक यार वही दे रहा था। शिट भाई, एक अटेम्प्ट में मरा हूं ब्रो, उसके एक अटैक में लिटरली बंदे ने वन शॉट मारा है मुझे, वन शॉट। यार मेरे सारे पोकेमॉन जिंदा है, मेरे पास एक और ऑप्शन है, आई हैव टू ब्लेंड माय ऑल पोकेमॉन्स, फिर उसके बाद चलता हूँ। यार अपने पास ये है ना, क्या कहते हैं भाई, मेरे को करने का मन नहीं है, करूंगी नहीं यार। इसमें क्या होगा ना, हम लोगों के 5 पोकेमॉन मिलके 1 पोकेमॉन बन जाएंगे, तो थोड़ा सा लाइक करते हैं बाद में डिसाइड, ठीक है मैं बाद में बताता हूँ उसका सीन। बाकी थोड़ा और ब्लाज्मा को ही लेके चलते हैं, अपने पास जितने ब्लाज्मा है सब लेके चलते हैं, और इस बार मैं ऊपर से फाइट लूंगा, नीचे घंटा नहीं जाने वाला भाई। शैडो बीक ले जा सकता हूँ, आनुबिस से अच्छा शैडो बीक लेके चलते हैं। नहीं नहीं आनुबिस काम आएगा, चलो दोबारा से चलते हैं। एंड फिर से नाक काला करवाते हैं गाइस, यार इस बार मारना है भाई। ये सेकंड, ये चौथा अटेम्प्ट है मेरा, आई मीन फोर्थ टाइम जा रहा हूँ मैं ऑस्ट्रेलियन के सामने बेइज्जती करवाने यार। लेकिन गाइस डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू भाई। मेरे को सो के आना था, मेरी हेल्थ बहुत कम है गेम में। ओए बिल्ली, बिल्लियों से पंगा मत ले भाई। इस बार गाइस मैं ऊपर से फाइट करूंगा, मैं घंटा नीचे नहीं जाने वाला भाई, मैं लड़ूंगा यहाँ से ब्रो, यहाँ से मैं लड़ूंगा, तुम लोग जाओ नीचे भाई। अरे अरे इसको फेंक दिया भाई मैं। आजा आजा जॉर्मोंटाइड, पहला ब्लाज्मा तू जा सीधा उसके सामने। भाई मैं किधर फेंका, ओके मैं फेंका तो परफेक्ट हूँ, आई डोंट थिंक सो उसको कुछ हुआ क्या। ओके उसको तो पड़ ही नहीं रहा, साले को फर्क ही नहीं पड़ रहा क्या। ओए किधर जा रहा, ओए मारो भाई। ओके गाइस 1v1 हो गया है, लेट्स गो भाई, अपना ब्लाज्मा दे रहा है और मैं निकल रहा ऊपर। ऊपर नीचे फाइट हो रहा है भाई, ले भाई अभी चल ले ऊपर। अबे यार फिर मरूंगा भाई, उसको बुलाओ पहले। फ्लैरिस तू चल मेरे को ऊपर लेके चल भाई। भाई वो उड़ नहीं सकता क्या, वो शायद उड़ नहीं सकता है। अब भेजता हूँ आनुबिस तू जा। ओके हाँ चलो भाई आनुबिस, लेट्स सी कैसा अटैक करता है। अबे यार क्या हो रहा है भाई, मैं क्यों हग रहा हूँ। ओके ओबे भाई दिया डैमेज, दिया अच्छा खासा, लेकिन हम लोग यहाँ से उसको मार नहीं सकते यार भाई, लेकिन यहाँ से वो हमको भी तो नहीं मार सकता यार। बेस्ट चीज इसको पता है मारने के लिए बंदूक भाई, ये देखो यहाँ से अपन बंदूक से डैमेज दे सकते हैं उसको। बट लेट्स सी अपना आनुबिस, आई डोंट थिंक सो टिक पाने वाला है। ओके भाई वो कूद कूद के ऊपर आने के चक्कर में है, लेकिन मैं घंटा नीचे नहीं जाने वाला। ब्लाज्मा जा भाई। ओ भाई इधर क्रिस्टल बनाएगा, क्या ही हो जाएगा। मैं बस अब भाई पॉपकॉर्न पकड़ता हूँ, चिप्स पकड़ता हूँ और एंजॉय करता हूँ यार। ओके अबे भाई साहब साला नीचे से भी मार रहा है, बर्फ सफेद है बोल गया यार, पता नहीं चल रहा है ना कि लाइक वो अटैक कब कर रहा है। उसको आग लग गई है भाई, 70-70 का कट मिल रहा है। ओबे भाई इसी से मरा था पिछले बार, यही वाले अटैक से। ब्लाज्मा जिंदा है ना, ओके मारा। अबे तेरी दे रहा है ब्लाज्मा, तो दे रहा है भाई, मेरे को सेफ रहना चाहिए। ओके ओ भाई मेरे को ही मारने के चक्कर में वो उड़ क्यों नहीं रहा है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ फ्रॉस्टेलियन उड़ नहीं सकता क्या। अबे बच गया यहाँ से वो घंटा। ओबे भाई घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा, और भाई वो मेरे को। अबे यार शिट। अबे नहीं 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 नहीं। ओके ब्लाज्मा मार रहा है, ठीक है आ जा तेरा बहुत हो गया। फ्लैरिस तू जा, तू मार फ्लैरिस। ओके फ्लैरिस भी दे रही है, चल 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 फ्लैरिस परफेक्ट भाई, लगा दे आग लगा दे एक नंबर। लेकिन फ्लैरिस यार उतना भी जमजार अटैक नहीं, अपने को ब्लाज्मा लगेगा, ब्लाज्मा ही मार सकता है। ब्लाज्मा 100-100 का डैमेज दे रहा था भाई, इसको बुलाओ अपने पास एक और ब्लाज्मा है, जा भाई खाने वाले है ना। ओके 700 जेरीज है यार, चल चल ब्लाज्मा मार भाई। आई गेस यार अपन आज मार देंगे यार, आई गेस सो। मैं कहीं और जाता हूँ कोई और पोजीशन में, यहाँ पे भी आई डोंट थिंक सो मेरे ऊपर अटैक कर पाएगा। ओके ए भाई कहाँ घुस रहा है, अभी भाई भाई ठंडा बर्फ फेंक रहा है यार, बट हु केयर्स ब्रो, हु केयर्स। ओए अबे यार नहीं ये अटैक नहीं, मैं कैसे तैसे छुपा हुआ हूँ भाई यार, मैं सच बताऊँ लेकिन मेरे को ऐसे छुप के मारना पसंद नहीं यार, थोड़ा घुस के मारते हैं, थोड़ा अपना टोरा बनाते हैं तब मजा आ जाता है, ऐसे में भाई थोड़ा लाइक है दिक्कत है यार। क्या डरता हूँ क्या तेरे से, डरता तो आता ब्लाज्मा को लेकर के, है किसी में दम भाई जो तेरे को मारे हैं। अबे भाई अबे यार ब्लाज्मा मर गया, मैंने देखा नहीं बट एनीवेज एक और। अबे तू यहाँ क्यों आया है, वो नीचे आ जाएगा, जा भाई नीचे जा भाई, इसको पट हेडशॉट देता हूँ भाई। भाई वो मेरे को घूर रहा है, मेरे को मारने के चक्कर में बोल रहा होगा भाई, खुद फंस गया है, ऑस्ट्रेलियन फंस गया है, लेट्स गो। अबे बच गया मैं, क्या चमक रहा है यार, आंखों में चुभ रहा है। आजा जॉर्मोंटाइड तू जा यार, बारी बारी करके अगर मैं भेजते रहूंगा ना तब अपन जीत सकते हैं आसानी से, राइट। आ जाएगा क्या, अभी भी नहीं आएगा यार, इसके लिए लेजेंडरी बॉल लगेगा पता है, ये लेजेंडरी बॉल में ही आएगा फॉर ऑस्ट्रेलियन, ये नॉर्मल बॉल में घंटा नहीं आने वाला।
क्या क्या क्या, क्या इसका सवारी करूँ क्या गाइस? बिजली का अटैक मत दे जॉर्मुंडाइड। किधर गया? अबे उड़ गया जॉर्मुंडाइड, उड़ गया भाई बॉल के अंदर। आ बॉल के अंदर मर जाएगा। किस्मत भाई, गिरने से पहले बुला लो भाई। चल चल अनुविश। अबे बेबी भी पड़ा पड़ा पड़ा। ए अनुविश ना यार, अलग ही अपना अटका हुआ है वो, देखो उधर। छोड़ भाई तेरे से ना हो पाएगा। फ्लैरिस तू जा। अबे गया मैं, बच गया। चल फ्लैरिस। ओके ओके मैं आ चुका हूँ थोड़ा सा नीचे। अब वो मेरे को मारने के चक्कर में है, आई नो। और अटैक करना भी चालू कर रहा है भाई, लेकिन मैं पेड़ के ऊपर चढ़ने के लिए आया हूं। पेड़ के ऊपर चढ़ के मारेंगे भाई। अबे यार कहाँ गया फ्रॉस्ट्रेलियन? अबे किधर गया? अबे साले कौवा किधर गया वो? ओके किधर 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 किधर? ओके अच्छा उधर उड़ के भाई। अपना कौवा इतना दूर उड़ा दिया यार उसको। ओके आई नीड पोजीशन भाई, मैं यहाँ से नहीं मारने वाला। चल फ्लैरिस साले मार देगा भाई वो पागल। कुल्फी बन गया है तेरे ऊपर बैठ के मेरी। ओके यार शिट 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 शिट, आई नीड सम ब्रेक। जा भाई जा, तू मार, तू नीचे जाके मार, मैं यहाँ पे ठीक हूँ भाई। कर ले भाई जो करना है फ्रॉस्ट्रेलियन, डरता नहीं हूँ तेरे से। बोल भी रहा होगा भाई, ऊपर छुप के बैठा है और डरता भी नहीं हूँ बोल रहा है। चल भाई फ्लैरिस अटैक ब्रो, फायर अटैक एक नंबर। ये अटैक तगड़ा है, लावा आला। बट फ्लैरिस भी मरने के फिराक में यार, हम लोगों ने फ्रॉस्ट्रेलियन को लिटरली आधा खा ही दिया है ब्रो। जॉर्मुंडाइड तू जा। इलेक्ट्रिक अटैक बस मत दे यार, अपने को बस ब्लास्मत चाहिए। मैं समझ गया हूं, ब्लास्मत हरा सकता है यार। अबे कहां घुस के मार रहा है भाई जॉर्मुंडाइड यार? अबे कहां गया वो? वो तो गुफा के अंदर घुस गया भाई। अच्छा वो दूसरे तरफ है, किधर है यार? अबे मैं मर गया। ले भाई, अरे यार ये कहाँ फंस गया है भाई? किधर किधर? अबे बच गया, लिटरली बच गया यार। ये कहाँ फंस गया है ब्रो? मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई ये यहाँ फंसा कैसे है। ओके लेकिन मार पड़ रही है भाई इसको, मार तो पड़ रही है, मार पड़ रही है। वो अपनी जगह है लेकिन अगर यहाँ फंसे रहेगा ना, मैं इसको पकड़ नहीं सकता हूँ, ये दिक्कत है। अनुविश भी अटैक नहीं कर रहे हैं। अबे यार जला दे रहा है भाई, बड़ी दिक्कत है यार, ये चीज दिक्कत करेगी मुझे। आई नो मैं पकड़ नहीं पाऊंगा उसको बॉल फेंक के। भाई क्या इश्यू है, निकल जाए। ये इसी का अंडा है क्या? ओके लार्ज एग रख लेते हैं भाई, क्या पता इसी का अंडा हो यार। बड़े जहाँ पे अटका है ना, आई डोंट थिंक सो। इसके ऊपर बॉल भी पड़ने वाली है, वो देखो बॉल भी नहीं पड़ रहा। अबे बाहर निकल, ओए यहीं पे खड़ा है भाई, यहीं पे दे भाई। क्या ग्लिच है यार, इतना इसका हेल्थ कम किया मैं आज इतना ज्यादा। अब मेरे को पीछे हटने का मन नहीं कर रहा है गाइस। थोड़ा एक राउंड मार के आते हैं, रुको एक राउंड मार के आते हैं, तब तक ये शायद यहाँ से निकल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। बट इसका हेल्थ ना बढ़े भाई, जितना है उतना ही रहे। अपन थोड़ी देर तक गायब वो हो जाएंगे ना, तब तक वो नया लोकेशन रीअसाइन हो जाएगा। रुको वो ठीक हो जाएगा तब तक, थोड़ा और ऊपर चलते हैं। वो दिख रहा है बेचारे का गर्दन अटका हुआ है भाई। ओके अब शायद गायब हो जाए, ठीक हो जाए वो। भाई साहब क्या हाइट पे आला के छूटा हूँ भाई, अभी भी अटका ही चुका है यार वो देखो अटका ही हुआ है। अब मैं मर रहा हूँ भाई। नहीं 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 खोल लो, वो देखो अभी भी अटका हुआ है यार। क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है भाई यार, ये ठीक कैसे होगा यार? आई गेस वो गया, अब वो वहां नहीं अटका है। हाँ, अब वो वहां नहीं अटका है और वो आ गया इधर, और उसका हेल्थ प्लीज कम हो। अबे यार क्या है गाइस, गेम ग्लिच के चलते लिटरली मैंने इसको इतना मारा था, बस 6000 एचपी और बची थी, और अब ये अटकने के बाद जब बाहर निकला है, साले का हेल्थ पूरा आ गया है भाई, पूरा हेल्थ हो गया है ब्रो। अब मैं टाइम पास कर रहा हूँ इधर है भाई। यार क्या ग्लिच है यार, एक तो भाई मेरे को लग रहा था आज कसम से मैं पकड़ लूंगा यार भाई, और अटैक कर रहा है, अलग ही किस्मत खराब है यार। पोकेमोन भी एक तो मर गया भाई। ब्लास्मस चाहिए, मैं ये समझ चुका हूँ यार, वी नीड ब्लास्मस यार। लिटरली हेल्थ जो मैंने उसकी कम की थी ना, अगर मैं थोड़ा और टिकता ना, लिटरली आज आ जाता भाई, आज लिटरली आ जाता। इतनी सी बस बची थी, 25% उसकी हेल्थ बची थी, 14,000 में से बस 6,000 बची थी उसकी एचपी। यार क्या है यार, एक गॉड होता अपने पास यार, गेम ग्लिच के चलते यार। बट एनीवेज ये देख के आप लोग समझ गए होंगे कि भाई अपन कैपेबल है एक फ्रॉस्ट्रेलियन को पकड़ने के लिए। वी जस्ट नीड अवर ऑल ब्लास्मत फायर टाइप पोकेमोन एक्सेप्ट जॉर्मुंडाइड, लेके नहीं जाने वाला भाई अगले बार जॉर्मुंडाइड को। सुजाकू लेके जाएंगे, प्योर प्योर जो फायर टाइप पोकेमोन है ना उन्हीं को लेके जाएंगे। बाकी इन लोग क्या कर रहे हो भाई, गोली वोली मत चला। वांपू वांपू कैसे हो वांपू, गेमर फ्लिट वाले भैया गेमर फ्लिट वाले नाम वाले भालू गुस्सा हो गया यार। ओए इधर देख, वांपू वांपू वामू गैंग, कौन कौन वामू गैंग से गाइस सब्सक्राइब करो। अबे ये कौन था, ठंडा अटैक दिया यार। बट यार अफसोस अभी भी है भाई, हम लोग सच में पकड़ सकते थे यार, फ्रॉस्ट्रेलियन अपना था भाई, बस ये छोटी सी चीज की वजह से मेरा सीन हुआ है और कुछ नहीं। बट एनीवेज हाथी है यार, ये हाथी पकड़ते हैं। रुको ये हाथी के ऊपर मैं बैठ सकता हूँ, आपको पता है कि नहीं गाइस, ये हाथी के ऊपर लिटरली मैं बैठ सकता हूँ। चल भाई फ्लैरिस, अबे मारियो बस मत यार, बेचारे को आग लग गया है। हो गया तू, ये तगड़ा अटैक मत दे। अबे यार ये तो मेरे को मार देगा लग रहा है। एक अटेम्प्ट 2% चांस है खाली मेरा हेल्थ गया, मेरा हेल्थ ही इतना कम है, नहीं आएगा भाई ये। चल आ जा हाथी, साले बॉल वेस्ट मत कर भाई, बॉल ही नहीं है। अबे भाग रहा है, बॉल नहीं है साले। एक तो बॉल, एक कितने बॉल है भाई, 5-6 बॉल लेके आया हूँ मैं बस। ओके चल आ जा भाई,
महंगा बोले कुल्फी मत बना मेरा ओके आ जाएगा कहाँ जाएगा लेट्स गो वी हैव अनदर हाथी यार हाथी का मांस आया है भाई खा लेते हैं खिला देते हैं सब बाकी यार जो पिटा हो ना कोई बात नहीं इसके ऊपर नहीं बैठ सकता ना बस इसके ऊपर बैठने का शेडल खुल चुका है मेरा लेकिन यार सफेद हाथी के ऊपर अपन बैठ के उड़ सकते हैं आप लोगों को पता है कि नहीं यार आई मीन उड़ नहीं सकते हैं बैठ सकते हैं तो चलो यार इसका शेडल बनाते हैं सफेद हाथी का जा करके और यार फ्रॉस्ट्रेलियन का जो एक और आइडिया पकड़ने का वो मैं आपको जा करके बताता हूँ बट एनीवेज फिलहाल चलते हैं बेस ऑलराइट यार वेलकम बैक टू द बेस यार मेरे कुछ ब्लास्ट मत भाई तू आराम कर पहले और हाथी का है भाई बड़ा वाला सबसे हाई लेवल का हाथी है ना मेरे पास 43 लेवल का अपन हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं यार बट सबसे पहले अपने आर्मर जो है उसको अपन ठीक करते हैं ठंडी वाले आर्मर्स को और भाई अपने पास पैलेडियम की दिक्कत है मैंने यहाँ पे क्रशर नहीं बनाया है शायद यार पैलेडियम बनाने के लिए क्रशर बनाना पड़ता है रुको हाँ ये है ना 10 पैलेडियम लगते हैं मेरे पास पैलेडियम नहीं है भाई इतनी गरीबी यार पैलेडियम नहीं है मेरे पास पैलेडियम 500-600 पैलेडियम होते हैं हर जगह यार और मैं खरीदने आया हूँ भाई खरीदने से अच्छा अपन चलते हैं अपने कोल माइन वाले बेस में एंड यहाँ पे जितने पैलेडियम है सबको उठाते हैं आ जाओ कुछ है ना कोई एक भी पैलेडियम नहीं है यार इधर एटलीस्ट एक भी पैलेडियम हो ओके लेट्स गो यहाँ पे 100 पैलेडियम थे चलो भाई बैक इन द बेस यार क्रशर बनाया जाए और क्रशर को कहाँ बनाया जाए ये जगह ठीक है शायद नहीं यहाँ पे नहीं इसमें पानी डालना पड़ता है राइट पानी वाली चीजें हैं तो उधर भेजते हैं आ जाओ इधर दूध वाला ये भी है तो ये क्रशर भी यहीं पे लगा देंगे यहाँ लगा दो क्रशर क्या दिक्कत है अनुविश अरे जॉर्मोन टाइट तुझे नहीं बुलाया यार अनुविश तू बना फटाफट पैलेडियम ही तो बनते हैं बनाओ भाई अबे तेरी ये सब भी बन सकता है या सोल बट नहीं पैलेडियम चाहिए मुझे और ये क्या से बनेगा पत्थर से अच्छा लार्ज सोर्स है लेकिन नहीं अपने को फिलहाल पैलेडियम चाहिए लो भाई पैलेडियम बनाओ बाकी यार आ जाओ अपन शेडल बनाते हैं हाथी का ताकि अपन हाथी के ऊपर बैठ के चल सके भाई हाथी के ऊपर बैठने में मजा आएगा यार ओके यहाँ बनेगा ना हाथी का शेडल नहीं पहले खोलना पड़ेगा मुझे और उसके बाद ब्रीडिंग वगैरह भी करनी है भाई बॉल्स की बड़ी किल्लत है मेरे पास पॉकी बॉल्स नहीं है बनाने पड़ेंगे ओके हियर इज द हाथी मेमोरेस्ट क्रिस्टल शेडल ठीक है ये रहा और ये बनेगा इसमें बनेगा मेमोरेस्ट का शेडल किधर है भाई मेमोरेस्ट शेडल अच्छा ये रहा ना चलो भाई अनुविश फटाफट बना फटाफट फटा भाई ये तो टाइम लगा देगा यार जल्दी 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 बाकी ये यहाँ पे कुछ लगा दे क्या यार ये एकदम खाली खाली सा है अनुविश का स्टैचू लगा देता हूँ यार स्टैचू यहाँ लगाना चाहिए मुझे और ये कंडेंसर को मैं उधर लगाता हूँ रुको कंडेंसर नहीं यही रहने देते हैं अभी फिलहाल इधर क्या लगा सकता हूँ मैं यार ये हैंगिंग ट्रैप अच्छा दिखेगा यार लगा दूं क्या यार आई थिंक दिस गोना लुक गुड ओके यहाँ लगा के देखते हैं ओके ग्रेट यार अच्छा लग रहा है भाई लुक्स ग्रेट यार ये अच्छा लग रहा है भाई मेरा कैमरा नहीं पता कैसे बंद हो गया था बट एनीवेज आई एम बैक बाकी यार मैंने ये लगाया ये थोड़ा सुंदर लग रहा है ऐसा लग रहा है ये घर को सपोर्ट कर रहा है नहीं ये पत्थर बट ये ट्रैप है अगर यहाँ पे कोई पोकेमोन आता है खड़ा होता है तो ये तुरंत फंस जाएगा और इसे बेसिकली बाहर बनाया जाता है मैं इसको अपने बेस में बना लिया हूँ यार इसे चिकीपी वगैरह पकड़ सकते हैं हम लोग भाई मस्त चीज है बट एनीवेज यार अपने हाथी का शेडल बन चुका है लेट्स गो अब गाइस हम लोग अगर पहाड़ वगैरह जाएंगे तो यही हाथी को लेके जाएंगे एंड हाथी की सवारी करेंगे एंड सफेद हाथी भाई हरा हाथी के ऊपर तो बहुत बैठे हैं यार एंड बहुत लोग बैठ चुके हैं अब हम लोग सफेद हाथी के ऊपर बैठ सकते हैं भाई और ये तेज भी है यार ये हाथी थोड़ा तेज है भाई ओके ठंडा ठंडा हवा ओ भाई ये तो कुल्फी बन गई इसकी कुल्फी बनाना है गाइस उसका कुल्फी बनाता हूँ वो देखो अरे नहीं नहीं ये कुल्फी कैसे बनता है ऐसे बनता है क्या ओ वे कड़ तेरी तो भाई मर गया यार उन लोग कुल्फी भी नहीं बना उन लोग की तो क्या दोस्त इधर कूद तू क्या इसके ऊपर गाइस अबे भाई ये लड़ भी नहीं रहा ले भाई ले देखो ठंडा हवा देता हूँ ठंडा हवा का भाई तेरा कुल्फी बनाता हूँ ये ले साले बड़ा एनीवेज यार ये हाथी बहुत काम आने वाला है भाई बट स्टिल हम लोगों को ऑस्ट्रेलियन तो मिला नहीं हम लोगों को अपने दूसरे प्लान पे काम करना चाहिए बड़ा एनीवेज यार हम लोग क्या प्यारे जगह बेस बनाया भाई यार मैंने गलत डिसीजन नहीं लिया ये जगह बेस बना करके मैं पहले सोच रहा था कि भाई मैं यहाँ पे बेस बना तो दे रहा हूँ आप लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा बट ऑफ कोर्स ये वाला बेस आई थिंक सो लुक्स मच बेटर देन बिफोर यार एंड इसको मैं चाहूँ तो अभी और भी सजा सकता हूँ लाइक इस टाइप के ये लगा करके ठीक है और इंटीरियर वगैरह को भी सजाना है हम लोग ये सजाने का काम करेंगे डेफिनेटली करेंगे मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज ऑफ यार मैं एक स्पेशल चीज सोच रहा हूँ इसके लिए भाई लाइव आ करूँ यार बाद में हम लोग अगर इसको सजाना रहेगा तो भाई मस्त से अपन यहाँ पे ऐसा पियानो लगा सकते हैं पियानो क्या भाई फेस करने वाला लगा सकते हैं टॉयलेट लगा सकते हैं बार में ही भाई यार पियानो भाई बहुत कुछ है यार बहुत कुछ इस गेम में बहुत कुछ है करना है करेंगे धीरे से कोई बात नहीं है बट एनीवेज ये लगेगा क्या अच्छा चलो नहीं लगेगा चलो खैर प्लान बी पे चलते हैं यार ऑलराइट गाइस यार एक और नया सुहाना सा दिन अपने पैल वर्ल्ड में यार एंड आज गाइस हम लोग यार एक लेजेंडरी लेजेंडरी भी नहीं वो एक गॉड है हम लोग यार ऑस्ट्रेलियन से भिड़ने वाले इस गेम के सबसे खतरनाक दानव से कह सकते हो क्योंकि यार तुम्हारे भाई ने ऑफ कोर्स
इस गेम के लगभग सारे गॉड्स को पकड़ लिया है। मैं दिखा देता हूँ भाई, अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा है ना तो आप देख सकते हो, देखने भी क्या ही जरूरत है यार, देख सकते हो अगर आपको मजे करने, तो डेफिनेटली मजा तो आया था मुझे। बट एनीवेज मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ, ये रहा ब्लास्ट मॉथ, मैंने पिछले दो एपिसोड पहले पकड़ा था, ये लिटरली लावा आइलैंड का गॉड है। एंड ये है भाई एस्ट्रोजन, जो की एक डार्क टाइप गॉड पॉकीमोन है। इसकी साइज देखो ब्रो, ये मेरे पास पहले से था लेकिन पहले वाला अंडा वाला था, एंड ये जो मेरे पास है ये लिटरली जंगली वाला एस्ट्रोजन है। मतलब कह लो भाई बहुत ज्यादा पावर है इसके में, एंड मैंने इसको कभी टेस्ट भी नहीं किया है, आज करेंगे। और एक है भाई फ्लैरिस, जो अंडे से निकला है लेकिन इसको मैं खाली उड़ने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। एंड बाकी भाई किंग पाका, ये तो भाई ये भी गॉड है कह लो, लेकिन ये थोड़ा प्यारा प्यारा घोड़ा। इधर आ भाई, ये बेचारे को यार मैं कभी भी नहीं निकालता वाला भाई। यार आप लोग मुझे बता रहे थे कि भाई अगर तुझे ऑस्ट्रेलियन चाहिए ना, तो ऑस्ट्रेलियन पकड़ने का सबसे सिंपल रास्ता जेटर ड्रैगन है। जेटर ड्रैगन को अगर मैं पकड़ लेता हूँ ना, तो ऑस्ट्रेलियन इजीली पकड़ सकता हूँ, क्योंकि जेटर ड्रैगन इस गेम का सबसे ताकतवर पॉकीमोन है। बट वेट यार, ये भी गॉड है भाई, ये मत सोचो। मैं पहले सोचता था ये इस गेम का सबसे ताकतवर पॉकीमोन है, लेकिन ये भी नहीं है। फिर मुझे लगा था इस गेम का सबसे ताकतवर पॉकीमोन ऑस्ट्रेलियन होगा, लेकिन ये भी नहीं है। इस गेम का सबसे ताकतवर पॉकीमोन है पैलेडियस। यार ये रियल गॉड है, ये लिटरली रियल गॉड है। हर मैप पे, हर एक जगह में आपको इस पैलेडियस और नार्कोमस या नेक्रोमस जो भी है, उन दोनों की मूर्तियां दिख जाएगी। या तो आप अनुविष्क आइलैंड जाओ, लावा आइलैंड जाओ, या फिर यहीं ग्रीन आइलैंड, आपको हर जगह एक ना एक मूर्ति दिखी जाएगी भाई। सो वेल यार, आज अपना प्लान तो यही है फिलहाल। बट एनीवेज, आप लोगों ने एक तरीका बताया था मुझे कि अगर मैं ब्रीड कराऊं अनुविष्क को, जो कि अपने पास है एक फीमेल अनुविष्क और एक मेल क्रायोलिक्स के साथ, लेकिन अपने पास भी एक फीमेल ही है भाई। रुको टेस्ट करते हैं, रुक जाओ। एक ये है क्रायोलिक्स, ओके, इसके साथ मुझे ब्रीडिंग करानी है अनुविष्क की, एंड ये फीमेल है, ये मुझे मेल पकड़ना पड़ेगा एटलीस्ट एक या दो यार। एंड देखो मेन क्या होता है ना, अगर दो तीन पॉकीमोन को मिक्स करके, I mean, कंडेंसेशन का काम वही है कि एक दो पॉकीमोन को मिक्स करके उनका ताकत बढ़ाना, तो हम लोग अगर वो करके एक बहुत तगड़ा क्रायोलिक्स बनाए, एंड एक अनुविष्क जिसके पास बहुत ही ज्यादा असीम शक्तियां हो, वो दोनों को मिक्स करे, तो आप लोग समझ सकते हो किस लेवल का ऑस्ट्रेलियन कंडा मिलने वाला है। वैसे यार अभी भी मैं डाउट में हूँ कि भाई ऑस्ट्रेलियन कंडा मिलेगा कि नहीं, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट ही किया है, मैंने पढ़ा बस है, मैंने रिसर्च लिटरली नहीं किया है, ठीक है। तो अपने पास फीमेल है, अपने को मेल चाहिए, तो चलो चलते हैं यार एक और नए सफर पे, एंड पकड़ते हैं कुछ तगड़े पॉकीमॉन्स। एंड इलेक्ट्रिक पॉकीमॉन को भी लेके जाऊंगा, आज सारे पॉकीमॉन लेके चलते हैं भाई। यार देखो आज मैं कौन कौन सा लेके जाऊंगा बताओ, एक तो ये फायर टाइप लेके जाऊंगा ब्लास्मन, और एक एस्ट्रोजन लेके जाऊंगा डार्क टाइप, और एक फ्लैरिस जो की एक फायर टाइप है, और एक इलेक्ट्रिक टाइप ओजार्क, और एक आर्यविस जो की यार ग्राउंड टाइप है, ठीक है। शैडो बीक को ले चले गया, शैडो बीक भाई देखो अगर मैं एस्ट्रोजन लेके जा रहा हूँ तो ये भी एक डार्क है और शैडो बीक भी डार्क है, तो और एस्ट्रोजन को यार मैंने टेस्ट भी नहीं किया, राइट, तो एस्ट्रोजन को आज टेस्ट करना बनता है। सो कम ऑन यार, आप लोग तैयार हो आज के कमाल के सफर के लिए? आई नो यू गाइस आर रेडी यार, तो चलो चलते हैं कुछ क्रायोलिक्स पकड़ने। वेल यार आ जाओ भाई, वेलकम टू द फ्रोजन आइलैंड। वैसे आज मैं हेडफोन पहन के खेलने वाला था ना यार, सॉरी गाइस, मुझे माफ कर दो यार, यार आदत नहीं है ना तुम्हारे भाई को हेडफोन पहनने का। बट एनीवेज वी आर इन द आइलैंड यार, एंड निकालते हैं ऑस्ट्रेलिया फ्लैरिस को, एंड चलते हैं भाई फ्लैरिस के ऊपर बैठ करके। यार मैंने ना एक सुजाकू भी पकड़ा था, अगर आपने पुराना एपिसोड नहीं देखा है तो आपको जाके देखना चाहिए भाई, जंगली सुजाकू, जंगल का राजा, वो इतना बड़ा था ना सुजाकू भाई, दैट्स नॉट अ नॉर्मल सुजाकू भाई, बहुत बड़ा था। बट एनीवेज यहां पे एक आइस टाइप अंडा क्या कर रहा है भाई, इतना सही जगह पे यार पॉकीमोन ने अंडा दिया, क्या व्यू है भाई। चलो यार ये अंडे को रख लेते हैं, अरे यार बैग भरा हुआ है, चिकन है कुछ खा लेते हैं, ओके, नम 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 नम, खा लिया मैं। और क्या है, और कुछ खाने का, फूल है, अच्छा फूल भी खाते हैं क्या भाई पॉकीमोन्स, नाइस। और क्या है, और कुछ खाने का नहीं है। चलो भाई अंडे लेते हैं और निकलते हैं यहाँ से, चल फ्लैरिस। ऑलराइट गाइस, यार आज तो भाई क्रायोलिक्स पकड़ करके ऑस्ट्रेलियन का अंडा लेंगे, एंड ऑस्ट्रेलियन का अंडा मिल गया तो अपन पैलेडियस और नेक्रोमस को हरा सकते हैं, राइट। बट यार वो तो इस गेम के सबसे ज्यादा ताकतवर है, तो उनसे दूर रहना पड़ेगा। वैसे यहाँ पे कुछ रेन ट्रिक्स है यार, पकड़ लेते हैं, ये बहुत अच्छे हैं भाई रेन ट्रिक्स, ग्राउंड टाइप पॉकीमोन को इजिली लवलेट कर देते हैं भाई। अबे भाई सांप पेल दिया फ्लैरिस, मार दिया भाई, अबे तेरी भाई मार दिया क्या, ले भाई यार इतना ताकतवर क्यों है तू फ्लैरिस, क्यों भाई, लोग अपने पॉकीमोन को ताकतवर करने के लिए रोते हैं, मैं भाई मेरा पॉकीमोन ताकतवर है इसलिए रो रहा हूँ बताओ। बट ऑफ कोर्स यार सबके लूट गिरे, ले लेते हैं, एक चाहिए था मुझे यार, इस बार एस्ट्रोजन को ट्राई करूंगा मैं। यार ये फ्लैरिस पता है ये भी अंडे से निकला वाला है लिटरली, एंड मैंने इसको कुछ भी नहीं सिखाया कि तू ये कर वो कर ऐसा अटैक कर, मतलब बहुत कम इसने मैचेस वगैरह किए, फाइट वगैरह बहुत कम लिया है, बट स्टिल इसको भी बहुत कुछ नॉलेज है यार। बट एनीवेज हम लोग जिसके तलाश
तलाश में आया, मुझे वो पॉकीमॉन्स चाहिए। इधर आरसॉक्स भी घूम रहे हैं भाई। अब वेट, मैं इतना चिड़िया लेके इतना नीचे क्यों उड़ रहा हूँ? ऊपर उड़ो यार। ओ भाई चिलियट घूम रहे हैं, नहीं लेना यार अभी पंगा। यार आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन कुछ दिनों पहले कुछ एपिसोड पहले मैंने यहाँ पे एक शाइनी पॉकीमॉन देखा था। शाइनी हाथी था क्या कि शाइनी कुछ तो था शाइनी का, लेकिन 50 लेवल का था वो, रेंड्रिक्स था शायद शाइनी, 50 लेवल का शाइनी पॉकीमॉन। यार भाई किस्मत वालों को दिखता है भाई वो सब। बट एनीवेज यार क्या हो गया तुम लोगों? हाँ अब भाई इन लोग से कलेश करते हैं ना, इन लोग से कलेश करते हैं। रुको आ फ्लरिश, तू आ ब्लैश मत, नहीं तेरे को नहीं भेजना है। एस्ट्रोजन तुझा भाई मार क्यों रहे हो? चल भाई एस्ट्रोजन पीट दे भाई, चल चल दिखा भाई कितना दम है। अरे मारना भाई, खड़े होके मारी खाएगा क्या? मारना भाई, मारने नहीं आता है क्या? मार। ओके अब मार रहा है भाई, इतना लेट अटैक। ओके एक नंबर जला दिया। चलो भाई इसको पकड़ते हैं। अच्छा बॉल नहीं है। ओके एट साले टोपी, ओ इन लोगों के पास सर्किट बोर्ड है भाई। मारो भाई, मार 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 मार। अबे मारना, अबे यार मर गया ये। What the hell भाई इतना जल्दी? अब भाई क्या था भाई, एस्ट्रोजन इतना कमजोर है? What? इसको देखो भाई, अबे भाई एक अटैक में फेल दिया भाई। ओके ये देख रहा एक अटैक में, नहीं आग वाला थोड़ा स्लो है, बंदे ने मेटल प्लेट पहन रखा है। ओके चल 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 ब्लास्ट मत, मार भाई मार भाई, तमाशा क्या देख रहा है? चल 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 भाई। ओके खत्म खत्म, अब नहीं बचने वाला ये। आ किस्मत है लावा के ऊपर नहीं खड़ा था ये। ओके जल गया। सर्किट बोर्ड ओके ठीक है, इसको भी मारना है ब्रो। ब्लास्ट मत, इसको भी। बाकी क्या लूट है इधर? गोल्डन की है भाई, मेरे को चाहिए। क्या फेंकू यार, हाथी के दांत अंडे काम के हैं, फाइबर फेंक देता हूँ, लकड़िया भी रखा हूँ, लकड़िया भी फेंको। चलो भाई शाबाश ब्लास्ट मत, यार तू ही तो हीरो है भाई। लेकिन यार एस्ट्रोजन क्यों पिट गया भाई, इसका तो समझ में आता है एस्ट्रोजन क्यों पिट गया। अपन ओजार को भी यूज कर सकते थे, पता है ओजार भी बहुत ताकतवर है। वेल यार यहाँ पे बहुत सारे पैल रिसर्च वाले घूम रहे हैं, मेरे को संभल के रहना होगा। इन लोग से पंगा लेना मतलब भाई फालतू में टाइम वेस्ट करना यार। बट एनीवेज मेरे को घर जाना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे भाई का आर्मर डैमेज हो गया, प्लस मेरे पास बॉल भी नहीं है भाई, कुछ ही बॉल है, गिन चुल के बॉल है। आ जाओ, ये बॉल बनाना है मुझे, सीमेंट चाहिए। सीमेंट कौन बनाएगा? व्हाट द हेल भाई, पैल फ्लूइड नहीं है मेरे पास। अबे भाई अपन 50 लेवल के उसको बुला सकते हैं, बेलेनोस लिब्रो को ब्रो यार। लेकिन ये बहुत ताकतवर होगी, अभी नहीं बुलाऊंगा मैं, ये बहुत गॉड होगी भाई, बेलेनोर की गॉड होगी। बट एनीवेज अपने को पैल फ्लूइड चाहिए यार, कहां मिलेगा पैल फ्लूइड? यार मेरे पास बॉल नहीं है, देखो ना ये नॉर्मल वाला बॉल है, गोल्डन बॉल है और हाइपर बॉल है। ये गीगा बॉल एटलीस्ट बना लेते हैं, 40 बना देते हैं। चल अनुविश फटाफट बना। बाकी इधर भट्टी का काम चल रहा है क्या? चलो भाई जलाओ जलाओ। यार बॉल की किल्लत क्यों हो जाती है यार? अबे तू कहां चढ़ के ठोक रहा है? क्या ठोक रहा है? क्या ठोक रहा है भाई, क्या मरम्मत कर रहा है? चलो खैर तब तक अपने पास जितने भी ब्लास्मत है, मेरे पास 5 ब्लास्मत है गाइस। मेरे को कमेंट में बताओ मैं सबको मिक्स करूं कि नहीं यार। मैंने सोच रखा था कि लाइक मेरे जो ब्लास्मत है ना, मेरे पास 5 ब्लास्मत है, पांचों को मिक्स करके एक बहुत तगड़ा ब्लास्मत बना दूं जो कि यहां पे हो जाएगा। मैं दिखाता हूं, ये देखो भाई 40 लेवल का ब्लास्मत। एक और भाई, इतने सारे ब्लास्मत है ना क्या बताऊं भाई। एक बॉस है एक ठोक है ना, जो कि बॉस ताकतवर तो है, पांचों को मिक्स कर दूंगा तो एक इतना ताकतवर ब्लास्मत बनेगा ना, सबकी फट जाएगी भाई, लिटरली फट जाएगी। ये देखो भाई, अबे मिक्स हो गए क्या? हाँ हो जाएंगे। ओके लेकिन नहीं अभी मैं नहीं करूंगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ ना, फिर मेरे पास एक ही ब्लास्मत हो जाएगा यार। आप लोग क्या बोलते हो कमेंट में बताओ। बट एनीवेज बॉल तो हो गए, गीगा बॉल है, मुझे और बॉल चाहिए। एंड यार सच बताओ, मेरे को हेडफोन के साथ अनकंफर्टेबल लग रहा है भाई। हेडफोन पहन के वीडियो बनाने की आदत बनानी पड़ेगी यार, मुझे लिटरली आदत नहीं है ना, तो दिक्कत हो रही है तुम्हारे बाइक को। बट एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने पुराने बेस में, एक दूसरा बेस है वहां चलते हैं। एंड यहाँ पे कुछ पत्थर जमे हो गए हैं। एंड भाई ओबे भाई यार आप लोग सही थे यार, कि लाइक इसको यूज करने से ना ग्रैपलिंग गन भाई वैसे ही काम करता है। ये देखो मैं वहां पे मारूंगा, ओबे तेरी भाई डायरेक्ट पूरा एक बार में मिल गया। इधर भी चलते हैं भाई, वरना इतना धीरे धीरे चलता है, हटो ना भाई। ओए अबे ओए हटो, हट जाओ यार, लेट्स गो यार। लेकिन बेचारे यहाँ के पॉकीमॉन्स भाई फुल काम वाम कर देते हैं यार, इतना काम कराता हूं ना बेचारों से यार मैं। बट एनीवेज रिस्क है तो इसके क्या गाइस। चलो आ जाओ, जितने भी पत्थर मैं लेके आया यहाँ रखते हैं। इंगट और पैल फ्लूइड, हाँ मुझे पैल फ्लूइड चाहिए ना। पैल फ्लूइड किससे मिलता है पता है? वाटर टाइप पॉकीमॉन्स पकड़ने से। एंड वाटर टाइप पॉकीमॉन पकड़ने का सबसे बेस्ट अड्डा कहाँ है पता है? वेल यार वेलकम टू द माउंटेन भाई, ये जगह तो हर कोई देखा होगा। भाई मैं एस्ट्रोजन को लेके घूम रहा हूँ, बताओ साला कमजोर आदमी भाई, इतना बड़ा बॉस। पिछला एपिसोड में मैं ये उम्मीद से पकड़ा था कि ये इतना ताकतवर होगा भाई, 2 मिनट भी नहीं टिक पाया, 2 मिनट भी नहीं, लिटरली 2 मिनट
मिनट का गुस्सा आ गया भाई देख के कसम से यार। बड़ा जाओ हम लोग किसको लेके जाए डार्क टाइप में भाई, डार्क टाइप में शैडो बिग गॉड भाई, शैडो बिग इज अ गॉड। एस्ट्रोजन ना बच्चा है भाई, एस्ट्रोजन भाई 48 लेवल का एस्ट्रोजन था वो जो मैंने पकड़ा था। इससे अच्छा भाई मेरे पास जो शैडो बिग है ना 35 की 40 लेवल में मैंने पकड़ा था, 50 लेवल का हो गया है और इतना ताकतवर भाई। बट एनीवेज बैक इन द ओल्ड बेस, ये अपना पुराना बेस है यार जो थोड़ा सा लाइक भाई यहाँ पे इतने सारे अंडे हैं ब्रो, अंडे ले लेते हैं यार। अरे नहीं अभी अभी छोड़ देते हैं, बाद में आएंगे। और मेरे पास जो कचड़े है ना मैं सब यहाँ रख देता हूँ, हम लोग यहाँ आते रहते हैं वैसे, सारी चीजें हम लोग छोड़ सकते हैं राइट। जो महंगी महंगी चीज है ना वो छोड़ देता हूँ मैं, ये सब रख लेते हैं। जो बेचने वाले आइटम्स है ना जैसे कि मैं दिखाता हूँ, रूबी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और क्या अंडे बेचने का नहीं है, ये सारी बेचने की चीजें मैंने यहाँ छोड़ दी है। हड्डी वगैरह गोली वगैरह भी छोड़ देता हूँ मैं बाकी। चलो भाई कुछ वॉटर टाइप पॉकीमॉन पकड़ते हैं ताकि हम लोग यार जा सके, आई मीन कुछ बॉल्स बना सके यार। बॉल की दिक्कत है भाई। ओए हाथी, ओए इधर इधर से नहीं मार सकता क्या उसको भाई मैं बेचारा हाथी यार कितना छेड़ता हूँ भाई हाथी को यार, मजाक बना दिया हूँ भाई। सब लोग गाइस मैंने बहुत लोगों को देखा है जितने यूट्यूबर्स है भाई, हालत खराब हो जाती है इससे भिड़ने से भाई। मैं यार पिछले 10 एपिसोड में इसको 10 बार पकड़ लिया हूँ भाई। बट एनीवेज कोई कोई प्रो होते हैं, कोई कोई नूब्स होते हैं, आई मीन सबके खेलने का तरीका अलग होता है यार। बड़ा जाओ भाई, हम लोगों को वाटर टाइप पॉकीमॉन्स चाहिए। यहाँ पे क्या है ये छोटा सा प्यारा सा टीफेंट घूम रहा है भाई, ये टीफेंट पकड़ना है मुझे। ओके लेट्स गो, टीफेंट सीधा पकड़ सकता हूँ क्या मैं? अबे कौन मारा साले फ्लेरिस वातू भाई, फोकट फालतू मार दिया, पकड़ना है उसे मुझे, मारने के लिए नहीं आया हूँ इधर मैं भाई। अगर मार भी दिया है तो शायद उसका पैल फ्लूइड मिल जाएगा क्या? अगर वो मर गया है तो रुको, हाँ मिल गया, 2 पैल फ्लूइड मिला है भाई। ये जगह जाके देखो तो नीचे क्या है? ओके कुछ नहीं है। मैं सोचा इधर कुछ होगा भाई, चेस्ट वगैरह भाई। ऐसे जगह ना ऐसी चीजें होती है ना जो देख के आप सोचोगे भाई नहीं है लेकिन वही रहती है। बट एनीवेज आ जाओ टीफेंट पकड़ते हैं सीधा बॉल फेंक के, आ जाएगा मुश्किल है रो देगा लेकिन आ गया। दो वो मिला यार लेकिन नहीं अब मैं पकड़ूंगा नहीं, मारना है मुझे, पकड़ते रहूंगा बहुत टाइम हो जाएगा भाई। पेंगुलेट भी वाटर टाइप है, नहीं 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 गुस्सा नहीं होते दोस्त। और कौन है यार? ओ भाई हेडशॉट भाई, इसको भी देते हैं। ओ क्या 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 गुस्सा क्यों हो रहे हो फ्लेरिस? एक बार यार झुलसा दे तो इन लोग को भाई। चलो ये लो भाई, बेचारे बच्चे लोगों में इतना खतरनाक अटैक दे रहा हूँ यार, ये देख कहाँ तक आ गया। ले मेरा प्याला ले, पेंगुलेट ले, मर गया यार। और कौन है भाई वाटर टाइप? तीर मारना बेटर है यार, एक शॉट वन शॉट किल होते हैं इन लोग। यार बॉल बनाने के लिए भी क्या क्या करना पड़ता है भाई। यार सबसे बेस्ट तरीका बताऊं भाई, वाटर टाइप पॉकीमॉन चाहिए ना पैंकिंग आइलैंड चले। ये गाइस यार पैंकिंग और ग्रिजल बॉल्ट का आइलैंड है, और यहाँ पे ये धुआं पर्पल धुआं का क्या कर रहा है यार? ये धुआं नहीं हुआ करता था गाइस, आपको धुआं धुआं टाइप का नहीं लग रहा है ये देख के? पर्पल पर्पल स्मोकी टाइप का फील आ रहा है। आई गेस यहाँ पे कुछ अलग ही शैतानी पॉकीमॉन्स होंगे, बट यहाँ पे आते साथ पैंकिंग दिख रहे हैं मुझे यार। एल्फी ट्रेन घूम रहे हैं भाई, पैंकिंग पकड़ते हैं, रुको किधर है जम माइला पैंकिंग भाई। सबसे पहले जब मैं इधर आया था, आप लोग अगर मेरी पुरानी एपिसोड नहीं देखी हो तो देखना भाई डेफिनेटली, अगर आप नए नए आए हो ना सीरीज पे तो। सच बता रहा हूँ यार पुराने एपिसोड्स में यार मैं इतना ज्यादा लाइक पागल हो जाता था भाई, पैंकिंग को मैंने पकड़ लिया ये वो। अब मेरे पास 10 टोक पैंकिंग है बताओ भाई। यार पहले लाइक लिटरली मैं पॉकीमॉन नूब था, ठीक है, आई मीन अब तो पॉकीमॉन मास्टर हो गया हूं, बट पहले नूब था ठीक है, ट्रेनर बस था कह लो नॉर्मल सा, तब ज्यादा मजा आता था भाई। अब मास्टर हो गया होता यार तीर से मार देना बताओ। पहले यार मैं पहली बार पकड़ते समय रो दिया था भाई, आप लोगों को देखनी चाहिए यार। बट एनीवेज यहाँ पे बहुत सारे पैंकिंग घूमते हैं, एल्फी ट्रेन घूमते हैं, और कुछ कुछ अलग ही टाइप के पॉकीमॉन्स घूमते हैं। वो देखो आजू रोबी भी यहीं घूम रही है, और पैंकिंग है भाई। क्या पैंकिंग? पैंकिंग को आग लगा है? जले आग लग गया क्या? नहीं लगा, अरे नहीं लगा भाई, कोई बात नहीं, ले भाई लावा में नहा ले तू, मर गया यार। यार इन लोगों के पास नहीं है लेकिन यहाँ ना फालतू है, मेरे को वो चाहिए पैल फ्लूइड चाहिए, इन लोगों के पास पैल फ्लूइड नहीं है। कोई बात नहीं चलते हैं यहाँ से, अगर एक ग्रिजल बॉल्ट भी दिख जाता ना मैं खुश हो जाता, बट नो प्रॉब्लम। जंगल में कमी है के पैंकिंग की, वाटर टाइप पॉकीमॉन्स की। लेकिन यार मुझे ऐसा लगता है गेम वालों को ना और ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐड करना चाहिए, पता है, लाइक जैसे कि ये वाला है, 3 है टोटल गेम में ना, और 5 तो एटलीस्ट रखना चाहिए। कुछ दिन में अपडेट आएगा इस गेम में, उसके बाद बहुत सारे नए पॉकीमॉन्स आने वाले हैं। ऑफ कोर्स ये गेम अभी भी वर्किंग में, आई मीन बन ही रहा है गेम कह लो। क्या 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 गुस्सा का है? डेट्रेस गेमिंग के ऊपर गुस्सा भाई, इन लोग से तो बेदम पैल फ्लूइड मिल रहा है भाई। एल्फी ट्रेन का झुंड यार, चल भाई मार दे इन लोगों। ओए मार भाई, एक नंबर फ्लेरिस, बेचारे बेचारे टीफेंट लोग को मार दे रहा है यार। बट इन लोगों को घंटा कुछ नहीं हो रहा, पानी में आग लगा रहा है बता। अबे भाई सब चल चल, कितना हो गया? एटलीस्ट 36 हुआ, 50 लेके जाऊंगा तब वर्थ इट है यार, तब जाके पॉल्स बॉल्स अच्छे खासे बना पाऊंगा। इससे बॉल्स बनते हैं राइट, पैल फ्लूइड से बनते हैं बॉल्स, अल्ट्रा बॉल ठीक है। और ये दुकान में अगर मिलता तो मैं खरीद लेता, बट ये दुकान में नहीं मिलता, मुझे पकड़ना ही पड़ेगा भाई। पट पट मार रहा हूँ यार सबको यार, बुरा लग रहा है यार, ऐसा लग रहा है जंगल का शिकारी घूम रहा है भाई इधर। भाई ये कितना छोटा पेंगुलेट था भाई, बहुत ज्यादा ही छोटा। गू
गूमस। इधर के पॉकीमॉन गूमस घूम रहे। ओके एक अंडा है, यहाँ पे एक अंडा है और आई नीड दैट एग क्योंकि मुझे अंडा भुर्जी खाना है बिकॉज नवरात्रि खत्म हो रही है गाइस। आई मीन खत्म हो गई होगी शायद आप वीडियो जब देख रहे हो तो। कौन कौन एग्स खाता है यार? मैं भाई क्या पूछ रहा हूँ यार, इट इज गुड फॉर हेल्थ, खाना भी चाहिए बट हमें पेल फ्लूइड भी चाहिए। ओए किधर भाग रहा है भाई, बच जाएगा है? इतना बड़ा पॉकीमॉन मास्टर घूम रहा है गेम में। तारीफ खुद के मुंह से करना पड़ता है गाइस क्योंकि आप लोग तो करते नहीं हो यार, सब्सक्राइब भी नहीं करती हूँ यार, कर दिया करूँ यार, वैसे थोड़ी लगते हैं। ओ बाय द वे एक चीज मुझे याद आया भाई, मैं मेंबरशिप खोलने का सोच रहा हूँ चैनल का, ठीक है। आई मीन चैनल मेंबरशिप जो होता है ना बहुत लाइक वो थोड़े पैसे से होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है लाइक वो मत सोचो यार कि मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ, नहीं, बहुत लाइक बहुत कोई कोई लोग होते हैं जिन लोगों को जल्दी वीडियो देखनी रहती है क्योंकि बहुत लोगों का स्कूल रहता है ना, तो मैं यार 9 बजे हर दिन डालता हूँ वीडियो। लेकिन अगर आपके पास मेंबरशिप रहेगा मेरे चैनल का जो कि 20-30 रुपीस का रहेगा, ठीक है, एक महीने का पूरा, जिसमें आपको वीडियो मिल जाएगी 6 बजे और आपके स्कूल अगर 8 बजे 9 बजे भी लगते हैं तो आप जब चाहे देख सकते हो, सुबह भी नहीं आपको रात ही में मिल जाएगी 12 बजे कह लो, ठीक है, तो आप जब भी चाहे तब मेरी वीडियो देख सकते हो। बहुत लोग बोलते हैं भैया मेरी स्कूल की टाइमिंग रहती है, मैं लेट हो जाता हूँ, तो यार इसका क्या, अगर आप मैं खोलूंगा तो आप लोगों के लिए मुझे बताना कमेंट में यार मेंबरशिप, तब मैं खोलने का सोचूंगा, वरना 9 बजे परफेक्ट टाइमिंग है, बाकी बंदों को 9 बजे मिल जाएगा। बट एनीवेज आ जाओ भाई यहाँ के सीक्रेट डंजन में एंड लेट एक्सप्लोर की भाई यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। ओबे तेरी भाई आते साथ तो यहाँ पे, अबे यार ये बच्चे लोग आ करके भाई एक एक शॉट के होनी भाई तुम लोग, अबे मारे जा रहे, लो 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 भाई लो बिजली का झटका गाओ, एक झटके में सबकी बैंड बज गई भाई। ओजार्क तुसी ग्रेट है भाई, ओजार्क मस्त है यार। अबे ये क्या है? अच्छा माऊ, मैं बोला भाई यार नया टाइप के पॉकी, अबे साले मार मत, रुक तुम्हें को पकड़ना है, ये माऊ मरना मत माऊ, आ जाओ यार, ये माऊ मेरे पास बहुत कम है, बहुत कम है, लिटरली बहुत कम है, लेकिन आ जाएगा, कहाँ जाएगा, 4 ही माऊ है मेरे पास बस। यहाँ पे कोई बॉस होगा, संभाल के रहना होगा मुझे। ओके पहले इधर चलते हैं और कैसा यार ये जगह थोड़े अलग अलग लग रहे हैं मुझे, यहाँ पे इन लोग घूम रहे हैं फडलर लोग और डे ड्रीमर लोग यार। बट एनीवेज सब खत्म, सब के सब खत्म। फडलर बेचारा नहीं, फडलर एक फडलर नहीं यार, इसको भी क्या ही करेंगे बेचारा, सब मर गए हैं अभी अकेला रह के यार, बोर हो जाएगा इधर। इसको ही मार देते हैं, बड़ा क्रीप एरिया है यार, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसे लेजेंडरी पॉकीमॉन ही नहीं दिख रहे जहाँ हर जगह होते हैं एक ना एक। आ जाओ भाई एक अपने लिए उजाले का दिया। शैडो बीक तो नहीं है, ब्लैजमत बुला लेते हैं यार, ब्लैजमत हो गया, शैडो बीक हो गया, ये सब इतने ताकतवर है ना, आई डोंट थिंक सो इन लोगों को हमेशा निकालना सही रहेगा यार। इन लोग 2 मिनट में भाई लिटरली 2 मिनट में मार देते हैं ऐसे चुटकियों में। मैं पहले सोचता था आनुबिश बहुत ताकतवर होगा एंड है ऑफ कोर्स वो है आनुबिश, बट आनुबिश से भी ताकतवर एक शैडो बीक है। अगर सोचो शैडो बीक इस गेम का लेजेंडरी है और उतना ज्यादा भी नहीं क्योंकि शैडो बीक बहुत सारे मिल जाते हैं, ठीक है, तो इस गेम के जो एक लौते पॉकीमॉन है, फ्रॉस्ट्रेलियन हो गया, जेट ड्रैगन हो गया, ये जो लौते पॉकीमॉन है ये कितने ताकतवर होंगे यार, वो सोचने वाली बात है। बट एनीवेज वी आर हियर एंड यहाँ पे 10 लेवल का लैम बाल है भाई, 10 लेवल का 10, और यहाँ पे 10 लेवल को इतना बड़ा दिखाया है ना इन लोगों ने, ठीक है, कि लाइक 10 लेवल भाई, ओ माय गॉड 10 लेवल का है भाई, तीर से मार दूंगा, लिटरली तीर से मार दूंगा मैं इसको, एक अटैक दिख रहा, ये लो भाई एक और क्या कर लेगा लैम बॉल अपने झुंड के साथ, रोल करके इधर आएगा, रोल भी नहीं कर पा रहे तुम लोग तो भाई, चक्कर आ जा रहा है तुम लोगों तो। क्या हो गया भाई, बड़ा है लैम बॉल बोल के मैं तेरा थोड़ा रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तेरे को पकड़ रहा हूँ, बड़े लैम्बल्स काम आएंगे भाई मेरे उस वहां पे, क्या क्या कहते हैं, चलो खैर मैं इन लोगों का बॉस को पकड़ लिया, अब मैं जा रहा। लैम्बल के कपड़े अपने हैं लेकिन मुझे थोड़ा भूख लगा है, और क्या है भाई कुछ खाने का है क्या मेरे पास, अंडा वंडा तो नहीं खा सकता, कौन है भाई कौन चमक रहा, अच्छा ले भाई ले आनुबिश तू संभाल, खेल ले लोगों के साथ, बूम, किसको कौन कोई बचा है क्या, मत मार भाई, छोड़ फोकट फाल, तू बिजली मार रहा है यार। मैंने अभी तक जंगली औजार खाली एक ही जगह देखा है, उसके अलावा कहीं देखा ही नहीं है यार। बट एनीवेज यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिली यार, क्या काम का मिला है, ट्रेनिंग मैनुअल, ओके थोड़ा सा एक्सपी बढ़ाएगा, किसका औजार का एक्सपी बढ़ाता है, औजार का भी थोड़ा कमजोर है अपना। बट एनीवेज लेट्स लीव द डंजन एंड चलो चलते हैं अपने बेस में और बनाते हैं बॉल्स एंड फिर चलते हैं क्रायोलिक्स को पकड़ने, एंड क्रायोलिक्स को पकड़ने के बाद ब्रीड करना है मुझे, क्या नाम है ये, आनुबिश और क्रायोलिक्स को। यार आप ने दो कॉम्बिनेशन बहुत बताया मुझे, एक क्रायोलिक्स और आनुबिस, ये दोनों का ब्रीडिंग से निकलेगा फ्रॉस्ट्रेलियन, ठीक है, और एक और जो आपने बनाया वो है सुजाकू एक्वा और आनुबिस। यार आनुबिस मुझे लग रहा है क्योंकि देखो सुजाकू एक्वा है भाई, सुजाकू एक्वा भी गॉड है और आनुबिस भी गॉड है, राइट, तो अगर दोनों कॉम्बाइन होते हैं तो ऑफकोर्स एक तगड़ा पॉकीमॉन तो निकलना ही चाहिए, राइट, तो वही बात है यार, लेट्स सी क्या होता है। बाकी ज्यादा हैवी बॉल की आज मुझे जरूरत नहीं है, आई जस्ट नीड सिंपल बॉल यार, ये लाल वाले। अबे सीमेंट किससे बनेगा, अच्छा सीमेंट पहले बनाना पड़ेगा ना, पेल फ्यूड, ओके व्हाट इज ब्रो,
100 सीमेंट बनाएगा अभी बैठ के यार ये। आई गेस मुझे काम बांट देना चाहिए। रुको रुको काम कर तू बना भाई। 500 सीमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा यार, इतना सीमेंट क्यों हो जा रहा है। ये ले भाई इतना सीमेंट बना, 200 सीमेंट तू बना, बाकी एक और अनुविश को बुलाते हैं और उससे सीमेंट बनाते हैं। आ जाओ अनुविश 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 कहाँ है तू। ओके आजा 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 भाई। साले को मैंने काम दिया था सीमेंट वाला, ये कर क्या रहा है। ऊपर चलो भाई यार, सीमेंट बनाना छोड़ के बना दिया क्या। सीमेंट बना बनाना भाई, बीसी सीमेंट बनाया, भाग रहे हैं यहाँ से यार। ओके टेक्नोलॉजी पॉइंट, हम लोग कुछ चीज को एक्टिवेट करते हैं, कुछ नए को। एंटिक ड्रेसर ये बनाओ। होम वार्ड थंडर स्ट्रो, ट्रांसपोर्ट यू टू योर नियरेस्ट बेस, कैन नॉट यूज इन द डंजन। अच्छा इसका यूज करके हम लोग कभी भी अपने बेस में जा सकते हैं, आई मीन नियर बेस में जा सकते हैं। और क्या है एबिलिटी ग्लास, हिडन पैल एबिलिटी हम लोग इससे देख सकते हैं। ओके लेकिन ये क्या काम का है। इलेक्ट्रिक इनक्यूबेटर क्या होता है। रिक्वायर बट ऑटोमेटिकली कीप इनसाइड द इनक्यूबेटर प्रॉपर टेंपरेचर। ओके इससे शायद अलग टाइप के पोकेमॉन्स निकलते नहीं है क्या, वैसा कुछ है यार, ये कुछ अलग ही है। और लिली स्पीयर भाई ये क्या है भाई। पनिश दोस हु नेगलेक्ट देयर पैल, पनिशेस दोस हु नेगलेक्ट देयर पैल्स। भाई ये मेरे को पनिश करेगी बोल रही है क्या, या फिर ऐसा हो सकता है शायद मैं अगर इसको बुला दूं ना तो कोई अपना पोकेमॉन नेगलेक्ट वगैरह वाला इशू नहीं होने वाला। ये बाकी भाई अपन मेमोरिस्ट के ऊपर बैठ सकते हैं ब्रो। नाइस यार अभी देख रहा हूं मैं। बट एनीवेज एक ड्रेसिंग वाला वो बनाया जाए यार अपने कैरेक्टर को, फिर से हम लोग नया रूप देते हैं। बट रुको सीमेंट का काम पहले करना है। ऊपर तो अनुविश कर रहा है लेकिन एक और अनुविश कहां है भाई। मैंने इन लोगों के लिए काम इतना लाइट कर दिया है ना। अच्छा बेस में ही अनुविश नहीं है यार, बेस में क्या ही करना है इन लोगों को। देखो पत्थर तोड़ना है, पेड़ तोड़ना है, बस दो हैवी टास्क है, बाकी कंप्लीट इजी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है भाई। बैठो और चिल करो भाई, तू बैठ यहाँ पे असाइन रहे और मेरे यहाँ पे सीमेंट बना भाई फटाफट। चल तू सीमेंट बना और इधर बन गया क्या सीमेंट। ओके नाइस, बाकी बॉल्स बनाना है, कितने बनेंगे अबे तेरी 50 बॉल बन जाएंगे, बनाओ फिर भाई। ओके मैं इन लोगों को टास्क दे देता हूँ यार, इन लोग यहाँ से कहीं जाएंगे भी नहीं ना। इंगट चाहिए यार। ओके भाई 500 इंगट है, चलो इंगट का सीन हो गया। नॉर्मल बॉल बना लेते हैं, गीगा बॉल भी भाई एटलीस्ट 20 काफी रहेंगे आई गेस। चल भाई तू ये बना तब तक, और चलो इन लोग जब तक ये कर रहे हैं। हाँ यार और मैं आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आप लोग शाम को खाली रहते हो क्या। आई मीन कितना बजे मैं लाइव आऊँ। ठीक है मैं सोच रहा हूँ लाइव आने का, तो डेफिनेटली मुझे बताओ कोई ऐसा टाइमिंग जिसमें आप लोग यार आपकी स्कूल भी नहीं होती और आप लोग छुट्टी में रहते हो। ठीक है कोई ऐसा एक टाइमिंग बता देना मुझे, मैं वो टाइमिंग पे आ जाऊंगा लाइव। ठीक है और लाइव में आकर के भाई ये घर को सजाएंगे। घर मैंने इसलिए छोड़ रखा है, आप लोग ये मत सोचे कि घर ऐसी रहने वाला है, नहीं ठीक है ये घर को सजाना है मुझे, दैट इज द रीजन। और लाइव आके सजाना चाहता हूं मैं आप लोगों के साथ, वही बात है यार। बाकी आ जाओ भाई, हम लोग अपने प्लेयर को फिर से एडिट करने वाले हैं और ये पहली बार होगा जब से मैं इस गेम में आया हूं। ठीक है तो क्या बनाऊं, लड़की कालू बुड्ढा लड़की लड़की नहीं यार लड़का चाहिए यार। अबे यार ये क्या है। ओके ये ठीक है, ये बनाते हैं, ये कैसे दिख रहा है, थोड़ा बच्चा जैसा लग रहा है लेकिन ठीक है ये बनाए भाई। अबे भाई ये क्या हो रहा है इसके शरीर को यार, ये तो कमजोर लग रहा है, आर्म साइज नॉर्मल रखो यार। अबे भाई पैर उड़ जा रहे हैं भाई। ओके लुक्स नाइस, कोई दिक्कत नहीं है लेकिन अबे लड़की क्यों दिख रहा है, लड़का दिखना भाई यार, थोड़ा ज्यादा ही पैर वैर ज्यादा मोटे नहीं लग रहे, पतले करो भाई, और थोड़ा छाती भी थोड़ा सा स्मार्ट बॉय लगना चाहिए, स्मार्ट बॉय। ओके परफेक्ट, और शक्ल थोड़ा क्यूटी क्यूटी फेस, ये ठीक है भाई ये अच्छा दिख रहा है। और आंख ये वाला अबे भाई डार्क हो गया, आंख का कलर लाल ब्लू कलर का आंख यार प्यारा लगेगा। आईब्रो का कलर ब्लू व्हाइट ब्लैक यार, अपने पास तो ड्रेसिंग रूम हो गया, अपन कभी भी कलर चेंज कर सकते हैं राइट। बालों के कलर देखना है मुझे। ओ भाई नया हेयर स्टाइल ऐड हुआ है क्या, ओ ग्रेट यार ये भी अच्छा लग रहा है, नाइस नाइस नाइस। अब मेरे को ये करने का मन कर रहा है, ये बाल भी बहुत सही लग रहा है या ये अच्छा लग रहा है क्या, ये अच्छा लग रहा है, एनिमे वाला थोड़ा फील आ रहा है इसको देख करके। बाल का कलर मेरे को कुछ अलग करना है, ग्रीन वा ओ भाई व्हाइट बहुत सही लग रहा है यार, बुड्ढा लग रहा है लेकिन नहीं गोल्डन बाल करूंगा। रुको ग्रीन भी तो बम लग रहा है लेकिन नहीं गोल्डन, ठीक है यार थोड़ा छपरी हो जा रहा है। रुको ग्रीन ओ ब्लू अच्छा लग रहा है यार कसम से, और ब्लू मेरा फेवरेट कलर भी है यार, ब्लू करते हैं परफेक्ट। आंख भी ब्लू, बाल भी ब्लू, आईब्रो कलर को ब्लू कर लेते हैं। रुको नहीं इसको ब्लैक रखेंगे यार, इसको ब्लू नहीं करेंगे, चलो ठीक है बाल हो गया, वॉइस आवाज वगैरह क्या ही चेंज करूंगा मैं, आ जाओ। ऑलराइट गाइस अब अपना प्लेयर कुछ ऐसा लग रहा है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं लग रहे हैं, बस थोड़ा पतला लग रहा है कमर से भाई, लड़की वाला फील आ रहा है देख करके यार, थोड़ा कमजोर लग रहा है। रुको थोड़ा बड़ा करो, ओके बॉडी ऑडियो बनाओ थोड़ा सा, ओके परफेक्ट, थोड़ा पीछे से हाँ परफेक्ट है, पैर पतले रख दो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई अब प्यारा लग रहा है बंदा, स्मार्ट बॉय। बट एनीवेज यार अपने बॉल भी बन चुके हैं एंड आ जा अनुविश भाई, सीमेंट का काम भी भाई, सीमेंट का काम छोड़ के कहां चला गया वो। चलो अब हम लोग चलते हैं क्रायोलिक्स को पकड़ने ताकि यार ब्रीडिंग कर सके, अभी तक हम लोगों ने ब्रीडिंग भी नहीं किया। वाओ वेलकम टू द आइस आइलैंड यार, और आ जाओ फ्लैरिस, चलो चलते हैं कुछ बर्फी ले क्रायोलिक्स को पकड़ने, लेट्स गो। बाकी यार ये क्या है, ब्रेड ब्रेड है। हाथी 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 भाई छेड़ू क्या हाथी को यार, हाथी को देख के अच्छा लगता है
रहा है भाई। हाथी को मैं पहले सोचता था इस गेम का सबसे डरावना पोकेमोन यार, इसको पकड़ लिया मतलब भाई पूरी कायनात अपने जेब में यार, लेकिन 10-20 कायनात होंगे मेरे जेब में ऐसे में, तो भाई इतना हाथी पकड़ाऊं। भाई ये जगह मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ पक्का केव होगा पता है, कोई केव होगा और उसमें अलग ही पोकेमोन होगा। अगर आपने यार मेरा पुराना एपिसोड नहीं देखा तो आप एक बार देखना जा करके, उसमें एक चीज था कि भाई ये जो एस्ट्रोजन मैंने पकड़ा था ना, एस्टीजन जो भी बोलेंगे, ये मैप में पहले नहीं था, जब मैं इसके अंदर इसके गुफा में गया तब ये आया, तब ये विजिबल हुआ ठीक है। तो आई थिंक सो कि कुछ ऐसे पोकेमॉन्स हैं जो दिखते नहीं है, I mean, मैप में दिखते नहीं है लेकिन है हिडन पोकेमॉन्स है, एस्ट्रोजन भी उनमें से एक था। बट एनीवेज यहाँ पे एक अंडा मिल गया मुझे यार, बैग क्यों भर जाता है भाई थोड़े थोड़े देर में मेरे, कुछ खाने का है तो खा लो यार। हो सकता है भाई, देखो ना यहाँ पे रास्ता वगैरह बना हुआ है, ओके है डेंजर है शायद, डेंजर है क्या, नहीं है, होगा यार यहाँ कुछ ना कुछ, देखो ना माऊ वगैरह घूम रही है, बोट वगैरह आए हुए हैं, कुछ तो हो सकता है यार यहाँ पे, बट वही बात है थोड़ा घूम के ढूंढना पड़ेगा मुझे। एनीवेज हम लोग क्रायोलिक्स को ढूंढना है, क्रायोलिक्स ओ मिल गया भाई, और हाँ एक मेल है और एक फीमेल है, आ जाओ अपने को मेल चाहिए, जानुविश खत्म भाई, मारो ये मार मत देना बस, ओके परफेक्ट, आइस अटैक से कुछ नहीं होने वाला भाई उसको, ओ बे भाई हो गया, ये मेल है ना, आ जा अनुविश, ये मेल है इसी को पकड़ना है मुझे, अभी बॉल वेस्ट हो रहा है साले, ओके आज किधर, इतना दुस्साहस भाई, मेरे बॉल से बच गया, अब आजा भाई मर जाएगा, एक पैर में मारता हूँ, आजा यार ब्रीड कर दूंगा भाई तुझे, पापा बनने का मौका दे रहा हूँ भाई, वो भी अनुबिस के साथ जो तेरे को मार रहा था उसके साथ ब्रीडिंग कराऊंगा, लेट्स गो भाई आ गया, चलो खुश हो गया लग रहा है। ऑलराइट गाइस यार, वेलकम टू द कोल्डेस्ट डेजर्ट यार, ये एरिया में मेरे को डर लगता है भाई आगे, क्योंकि फ्रॉस्ट्रेलियन का जंगल चालू हो जाता है ओके, एंड वहां अगर मैं किसी भी छोटी सी चीज को अगर छेड़ दूं ना, फ्रॉस्ट्रेलियन आकर के भाई छोड़ता नहीं है। बट एनीवेज हम लोग चलते हैं अपने बेस वापस, क्योंकि हम लोगों को अभी ब्रीडिंग करनी है क्रायोलिक्स और अनुबिस की ठीक है, फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे फ्रॉस्ट्रेलियन के पास एंड ट्राई करते हैं उसे पकड़ने का, एंड ऑफकोर्स मैं पिटने वाला हूँ मुझे पता है, एंड अगर मैं उसको हराने भी लग जाऊँ ना, नहीं मैं अभी तो नहीं पकड़ने वाला, अनटिल अनलेस भाई मेरे 9 लाख सब्सक्राइबर ना हो जाते या फिर इंस्टा पे 30,000 यार, और इंस्टा पे हम लोग बहुत ज्यादा क्लोज है 30,000 के, तो अगर आपने नहीं किया है मुझे इंस्टा पे फॉलो तो प्लीज कर लो, प्लीज दैट ट्रैक्स आर्मी कर लो यार, बाकी आ जाओ यार बेस चलते हैं। ऑलराइट यार बैक इन द बेस, बट स्टिल भाई मैं सोच रहा हूँ यार पहले ब्रीडिंग कराते हैं, कहाँ है भाई दोनों अनुबिस का, ये रही लड़की वाली अनुबिस और क्रायोलिक्स का है, चलो भाई क्रायोलिक्स भी आ गए इतना, ओए इधर चलो भाई, ये रहा क्रायोलिक्स एंड अभी दोनों को ब्रीडिंग कराते हैं, एंड गेस करके आप लोग बता दो यार मुझे पहले कि यार फ्रॉस्ट्रेलियन सच में निकलेगा ना इससे, क्योंकि मेरे को डाउट है, मेरे को लिटरली बहुत ज्यादा डाउट है कि भाई निकलेगा कि नहीं, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना। बाकी यार एक और अनुबिस का है भाई, पत्थर तोड़ रहा है बेचारा यार, बेचारा जंगल का राजा भाई, इसको मैं कहां से लेके आया हूं भाई, ये लिटरली यार डेजर्ट आइलैंड पे राज करता था, अब बेचारा मेरे बेस पे पत्थर तोड़ता है यार, दुख लगता है देख करके। बट एनीवेज दोनों को मैंने लगा दिया है एंड दोनों की ब्रीडिंग चालू हो चुकी है, कुछ एक घंटे बाद इन लोग अंडे दे देंगे एंड आफ्टर दैट भाई अपने पास एक नया बड़ा अंडा होगा, एंड उस अंडे से हम लोग यार बनाएंगे फ्रॉस्ट्रेलियन, शायद फ्रॉस्ट्रेलियन का ही अंडा है आई थिंक सो, तो आप लोग मुझे बताना। बाकी अपन आटा डाल सकते हैं क्या, नहीं डाल सकते, रुको यहाँ पे एक मैं वुडन चेस्ट लगा देता हूँ आटा वगैरह रखने के लिए, यहाँ पे आएगा क्या, ओके कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे रख देते हैं। चलो भाई अच्छा, उन लोग ब्रीडिंग पे रहते हैं तो उन लोग वो नहीं करते क्या कुछ काम वाम भाई, ब्रीडिंग वाले बस ब्रीडिंग ही करते हैं क्या। चलो मैंने आटा यहाँ डाल दिया, आ जाओ भाई आटा बनाते हैं, आई मीन केक बनाते हैं, और केक बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक अपन फ्रॉस्ट्रेलियन से भिड़ के आएगा यार, देखो मैं अभी सुबह सुबह ही फ्रॉस्ट्रेलियन से भिड़ के आया हूँ एंड आई डोंट थिंक सो मुझे फिर जाने का मन कर रहा है यार, ग्लिच की वजह से लिटरली मैं मार ही दिया था कैलवे यार फ्रॉस्ट्रेलियन को। बट एनीवेज आज के वीडियो में इतना ही भाई, ब्रीडिंग भी चालू है, फ्रॉस्ट्रेलियन को भी हम लोगों ने आज लगभग क्या मार ही दिया था भाई, अगर वो नहीं अटकता ना आई स्वेयर टू गॉड मैं मार देता यार, बस हम लोगों को ना अपने सारे जितने भी ब्लैजमत है सबको मिक्स करके एक ब्लैजमत बनाना होगा इस कंडेंसेशन में डाल करके, या फिर मैं चारों को अलग अलग रख के भी लेके जाऊं तब भी हम लोग मार सकते हैं। तो यार आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में सजेशन बताना कि किस तरीके से हम लोग यार ब्लैजमत से पंगा ले। बाकी यार आज की वीडियो में इतना ही भाई, हाथी को निकालो एंड हाथी की सवारी करते हैं, एंड या आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी यार मिलते हैं ऐसी धमाकेदार एपिसोड में, क्योंकि भाई नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस ऑस्ट्रेलियन को पकड़ने वाले हैं। आप लोगों ने मेरी पावर तो देख ही लिया, लगभग खाई दिया था मैंने, बस अगर वो अटकता नहीं ना, लिटरली अटक गया बोल के निकल नहीं पाया, वरना वो डेफिनेटली मैं पकड़ लेता। बाकी यार ये रहा पैल वर्ल्ड का पूरा प्लेलिस्ट, जाके देखो मैंने सारे पोकेमॉन्स यहाँ पकड़े हैं, ये ट्रेलर था सच बता रहा हूँ, पिक्चर यहाँ है भाई, ये मजा आया ना, तो ये देखो पूरा दिन खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आप लोगों को यार। बाकी एनीवेज सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि अगला एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड पे, टिल देन इंस्टा पे भी फॉलो कर लो प्लीज, 30,000 फॉलोअर करवा दो यार प्लीज। बाकी चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।